अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है तेलंगाना टाइम्स टुडे न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज के अहम खबरें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बस इनके घर के पीछे पूरा ऐसा ऊंचा कर आसिफ नगर डिवीज़न के अंदर जो मेहदीपट्टनम शांति नगर एरिया है वहाँ पे एक VDCC रोड का काम स्टार्ट हुआ है जिसकी लागत 40 लाख रुपए है। इंशाल्लाह ताला ये काम बहुत जल्द तकमील को पहुँचेगा, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम की तकलीफ़ को महसूस करते हुए उसको पूरा करती है, जिसमें हमारे हिंदू भाई लोग का एरिया हो या दलित भाइयों का एरिया हो, कोई भी हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि डेवलपमेंट को तवज्जो दे। नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यही कहना है कि हमेशा जहाँ पर भी तकलीफ़ होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर काम कराना चाहिए। वैसे हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी और क़्यादत के अंदर हमने काफ़ी करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट काम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह सदर मजलिस और हबीब मिलत जब भी टाइम देंगे इन सब कामों का इनाग्रेशन अमल में आएगा। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर मूसा साहब और विजयनगर के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब डॉक्टर कासिम साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर आसिफ नगर और तमाम के तमाम मौजूद थे। इन लोगों की निगरानी के अंदर ये काम का आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह ताला और भी काम रोज़ कुछ ना कुछ काम के आगाज़ हो रहे हैं। बहुत फास्ट डेवलपमेंट नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है। ये अल्लाह का लाख लाख फजल व करम है। मैं आप लोगों के चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज के दोनों प्रोग्रामों के अंदर जो जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग शरीक थे इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।